हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की सीरीज चल रही है और उसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉनसून एंड ओरिजिन ऑफ मॉनसून। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं ओरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून। दोस्तों, मॉनसून मैं आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगी तो आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों, पिछले 50 सालों में ये माना जाता था कि लैंड और ओशन की डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से मॉनसून अकर होते हैं। लेकिन दोस्तों, अपर एटमोसफेरिक सर्कुलेशन को अच्छे से स्टडी करने के बाद मेट्रोलॉजिस्ट के सामने ये बात आई कि सिर्फ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड और ओशन ही एकमात्र वजह नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मॉनसून अकर होते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, जब मेट्रोलॉजिस्ट अपना डेटा कलेक्ट कर रहे थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मेट्रोलॉजिस्ट ने ये डेटा रिवील किया और इस बात को सामने लाए कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जिनसे मॉनसून अकर होते हैं, और उन डेटा में उसका मैकेनिज्म और उनके रिलेटेड फिनोमिना और फैक्टर्स मौजूद थे जिनकी वजह से ये मॉनसून अकर होते हैं। दोस्तों, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको नीचे कर रही हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। दोस्तों, ये पूरी इंट्रोडक्शन और ओरिजिन लिखा हुआ है मॉनसून का। तो दोस्तों, आइए पढ़ लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मॉनसून अकर होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर है द रोल ऑफ द हिमालयस एंड तिब्बतन प्लेट्यू। दोस्तों, हिमालयस और तिब्बतन प्लेट्यू का भी बहुत बड़ा रोल है मॉनसून अकर होने में, एज अ फिजिकल बैरियर एंड अ सोर्स ऑफ हाई लेवल हीटिंग। दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता है कि हिमालयस जो है एक फिजिकल बैरियर है, और दोस्तों इनकी हाइट भी काफ़ी होती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। इसके बाद आता है द सर्कुलेशन ऑफ अपर एयर जेट स्ट्रीम्स इन द ट्रोपोस्फीयर। दोस्तों, जेट स्ट्रीम का सर्कुलेशन ट्रोपोस्फीयर के अपरी पार्ट में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है द एग्जिस्टेंस ऑफ अपर एयर सर्कमपोलर फील्ड ओवर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इन द ट्रोपोस्फीयर। तो दोस्तों, नॉर्थ एंड साउथ पोल को जो सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपरी ट्रोपोस्फीयर में जो विंड ब्लो करती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ह्यूज लैंड मास ऑफ एशिया एंड द इंडियन एंड द पैसिफिक ओशन। दोस्तों, ये तो बात पहले से ही चली आ रही है और आप लोगों को भी पता है कि मॉनसून को अकर होने में डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड और मास एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद है द अकरेंस ऑफ एल नीनो इन द साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। दोस्तों, एल नीनो का बनना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, एल नीनो एक वार्म फेज है सदर्न ऑसिलेशन का। ये एक वार्म ओशन का बैंड है जो कि सेंट्रल एंड ईस्टर्न सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक पे डेवलप होता है और साउथ अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट को इंक्लूड करता है। तो दोस्तों, यही सब था इसके ओरिजिन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉनसून के कुछ टर्म्स, और उसके बाद हम लोग मॉनसून का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मॉनसून, मॉनसून का मतलब होता है दोस्तों सीजन, जिसको हम मौसम भी बोलते हैं। सीजनल विंड्स, विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रीजन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। दोस्तों, विंड्स, सीजनल विंड्स वो होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर रीजन में और एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लो करती हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि सीजनल विंड्स परमानेंट नहीं होती, वो बस एक टाइम के लिए एक डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून, सी टू लैंड। दोस्तों, ये इंडिया की बात हो रही है, तो साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो सी से लैंड की तरफ मूव करता है, और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून लैंड से सी की तरफ। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंडियन मॉनसून। इंडिया इज लोकेटेड इन द ट्रेड विंड बेल्ट। तो दोस्तों, इंडिया जो है, इंडिया की जो लोकेशन है वो ट्रेड विंड बेल्ट में आती है। इट इज़ अ ड्राई कॉन्टिनेंटल विंड बेल्ट, जिसको ड्राई कॉन्टिनेंटल विंड बेल्ट भी बोला जाता है।
बट फॉर द फिनोमिना ऑफ मॉनसून इंडिया वुड हैव बीन अ सेमी डेजर्ट। लेकिन दोस्तों अगर बात करें मॉनसून के फिनोमिना की तो इंडिया जो है वो सेमी एरिड क्लाइमेट है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जहाँ बहुत कम बारिश होती है बस डेजर्ट से थोड़ी सी ज़्यादा अगर कंपेयर करें तो। दोस्तों उसके बाद आता है साउथ वेस्ट मॉनसून। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून सन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द टेम्परेचर इज हाई इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर हम लोग बात करें जून के मंथ की तो जून में जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अपनी रेज जो है छोड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई पहुँच जाता है। ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर एयर प्रेशर इज़ वेरी लो। दोस्तों टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो बहुत लो हो जाता है। दिस लो प्रेशर जोन अट्रैक्ट्स द विंड फ्रॉम द सराउंडिंग इंडियन ओशन। तो दोस्तों जब बीच में लो प्रेशर हो जाता है तो चारों तरफ के जो ओशन की विंड्स हैं, जो कि हाई प्रेशर विंड्स हैं, हाई प्रेशर एरिया है, तो लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फ्रेंड्स इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं जब नॉर्थ में जो है वो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है तो इंडियन ओशन जो है वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर जो है बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों हाई प्रेशर विंड्स जो हैं वो अपने साथ वाटर कैरी करके लाती हैं, इसकी वजह से वहाँ पर रेनफॉल होता है। फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। तो दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जैसा कि आप लोगों को पता है। उसके बाद शिफ्टिंग इन पोजीशन ऑफ ITCZ। दोस्तों ITCZ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्वेंशन जोन। दोस्तों ITCZ एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी लोकेशन है जो कि इक्वेटर के चारों तरफ मौजूद होती है और जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आके मिलती हैं। उसके बाद है दोस्तों हाई प्रेशर ओवर मेडागास्कर, इंटेंसिव हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू एंड आखिर में आता है जेट स्ट्रीम्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर से। दोस्तों लैंड एब्जॉर्ब्स द हीट वेरी फास्ट, रिलीजेस द हीट वेरी फास्ट। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ज़मीन है वो ज़्यादा जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करती है और ज़्यादा जल्दी ठंडी भी हो जाती है। वाटर एब्जॉर्ब द हीट वेरी स्लो एंड रिलीजेस द हीट वेरी स्लो। और पानी जो है वो हीट को बहुत देर में एब्जॉर्ब करता है और बहुत देर में ठंडा होता है। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। दोस्तों सी ब्रीज जो कि सी से वाटर की तरफ जाती है हवाएं, और लैंड ब्रीज जो कि लैंड से वाटर की तरफ जाती हैं। फ्रेंड्स उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ ITCZ। दोस्तों ITCZ का जो पोजीशन है वो वेरी करता रहता है। इन द मंथ ऑफ जून ITCZ इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रीजन। दोस्तों जब जून का मंथ आता है तो ITCZ शिफ्ट होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रीजन में पहुंच जाता है। इंटेंसिव हीट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिव लो प्रेशर जोन। दोस्तों ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वहाँ पर बहुत लो प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर थ्रो इज नोन एज मॉनसून ट्रफ। दोस्तों लो प्रेशर ट्रफ को ही मॉनसून ट्रफ बोला जाता है। फ्रेंड्स उसके बाद आता है इंटेंसिव हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। एज अ वास्ट लैंड मास तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। दोस्तों गर्मियों के दौरान तिब्बतन प्लेट्यू बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इट रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स, जो कि रिजल्ट करता है स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स। दोस्तों वहाँ पर इतनी गर्मी होने की वजह से वर्टिकल करंट्स फॉर्म हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू, जिसके बाद दोस्तों वहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर फॉर्म हो जाता है। फ्रेंड्स ये पूरा फॉर्मेशन और मैकेनिज्म है जो कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। उसके बाद बारी आती है हाई प्रेशर ओवर मेडागास्कर। द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। दोस्तों वहाँ मेडागास्कर के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर फॉर्म हो जाता है
उसके बाद द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया इफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून। जो दोस्तों इसकी जो इंटेंसिटी और पोजीशन है हाई प्रेशर की, वो इंडियन मॉनसून में बहुत ज़्यादा, इंडियन मॉनसून को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। फ्रेंड्स आप लोग ये वाला पिक्चर देख सकते हैं, ये मेडागास्कर है और ये यहाँ हाई प्रेशर है इंडियन ओशन में, जो कि दोस्तों हाई प्रेशर यहाँ से मूव करती हैं, यहाँ से विंड, तो वो मेडागास्कर में भी हाई प्रेशर फॉर्म कर देती हैं। और दोस्तों पहले से ही आप लोगों को पता है कि यहाँ नॉर्थ पार्ट में लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव होता है। दोस्तों हाई प्रेशर विंड्स लो प्रेशर विंड्स की तरफ, लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं, जो कि अपने साथ वाटर कैरी करके ले जाती हैं, जिनकी वजह से मॉनसून अकर होता है। फ्रेंड्स उसके बाद बारी आती है जेट स्ट्रीम्स की। फास्ट मूविंग विंड्स इन अ नैरो जोन इन द अपर एटमोसफियर। दोस्तों एटमोसफियर के ऊपरी पार्ट में जो विंड्स फ्लो करती हैं एक नैरो जोन में, उनको जेट स्ट्रीम्स बोला जाता है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हेल्प्स इन अराइवल ऑफ मॉनसून कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन विड्रॉल ऑफ वेस्टर्ली स्ट्रीम्स एंड शिफ्ट ऑफ आई डिजीजर। दोस्तों वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मॉनसून कॉज करने में मदद करती हैं और ये आईटीसी सेट को शिफ्ट करने में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। उसके बाद ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हेल्प्स इन सडन आउटब्रेक ऑफ मॉनसून। दोस्तों ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हेल्प करती हैं जब अचानक से मॉनसून अकर हो जाता है, तो वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का ही काम होता है। दोस्तों सडन आउटब्रेक ऑफ मॉनसून का मतलब होता है कि अचानक से ठंडी हवाएं और बारिशें होने लग जाएं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का ही काम है। फ्रेंड्स उसके बाद है सडन ऑसिलेशन। सडन ऑसिलेशन रिफर्स टू अ सीस और रिलेशनशिप ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन ताहिती साउथ पैसिफिक आइलैंड एंड डार्विन ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों सडन ऑसिलेशन एक रिलेशनशिप को रिफर करता है दोस्तों, जो कि ताहिती साउथ पैसिफिक आइलैंड और डार्विन ऑस्ट्रेलिया के बीच में फॉर्म होता है। फ्रेंड्स इसका डायरेक्शन समर में जो होता है वो पैसिफिक से इंडियन ओशन की तरफ होता है और विंटर में इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं एल नीनो करंट की। दोस्तों एल नीनो का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एल नीनो का मतलब होता है सडन ऑसिलेशन के वार्म फेज को एल नीनो करंट बोलते हैं। ये एक वार्म ओशन का बैंड है जो कि सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में डेवलप होता है और साउथ अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट को इंक्लूड करता है। वार्म करंट अलोंग द पेरुवियन कोस्ट वंस इन 2 to 5 ईयर। दोस्तों ये पेरुवियन कोस्ट के पास फॉर्म होता है, जो कि बस दो या पाँच साल में एक बार फॉर्म होता है, रिप्लेसिंग पेरुवियन कोल्ड करंट। दोस्तों पेरू एक जगह का नाम है, तो दोस्तों एल नीनो करंट पेरुवियन कोल्ड करंट को रिप्लेस करता है। फ्रेंड्स इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि पेरुवियन कोल्ड करंट को कौन सा करंट रिप्लेस करता है, तो उसका आंसर है एल नीनो करंट। इंक्रीजेस टेम्परेचर ओवर ईस्ट पैसिफिक कोस्ट एंड वीकेंड ट्रेड विंड्स। दोस्तों जब ये करंट फॉर्म होता है तो ये ईस्ट पैसिफिक कोस्ट पे टेम्परेचर को बढ़ा देता है और वहाँ की जो ट्रेड विंड्स हैं उनको वीकेंड कर देता है, मतलब उनका जो फ्लो है उसको कम कर देता है। ब्रेक ऑफ मॉनसून। दोस्तों ब्रेक ऑफ मॉनसून का मतलब ऑनसेट ऑफ मॉनसून या फिर सडन अराइवल ऑफ मॉनसून भी होता है। और दोस्तों ब्रेक इन मॉनसून का मतलब है ब्रेक इन मॉनसून रेनफॉल। दोस्तों मॉनसून के रेनफॉल में जो ब्रेक आते हैं उसको ब्रेक इन मॉनसून बोला जाता है। वेट स्पेल्स आर फॉलोड ड्राई स्पेल्स। दोस्तों वेट स्पेल्स का मतलब होता है अ कॉन्सिक्यूटिव रेनी डे और फॉलोड ड्राई स्पेल्स। दोस्तों ड्राई स्पेल्स का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ ड्राई वेदर। तो फ्रेंड्स अगर मॉनसून के टाइम पर बारिश होनी बंद हो जाए और फिर से बारिश शुरू हो जाए और फिर से बारिश होनी बंद हो जाए, तो दोस्तों इसी को ही ब्रेक इन मॉनसून बोलते हैं। सो फ्रेंड्स दैट वाज ऑल अबाउट इंडियन मॉनसून। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। बाय।